चाहती हूँ कि अंकुश भाई और परका भाभी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और वो क्या छुपा रहे हैं? ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा था माम, थोड़ा हेक्टिक था बट बहुत मजा है। और सर मेरे काम से बहुत इंप्रेस हो गए। ऐसे ही अच्छा काम करती है, किसी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, हाँ आई मीन थोड़े सीनियर्स एटीट्यूड दिखा रहे थे, रैगिंग यू नो। रैगिंग? अरे लेकिन रैगिंग तो अलाउड ही नहीं है बेटा। नहीं नो मामू, बट कैंपस में 3-4 नमूने ऐसे मिल ही जाते जो इंट्रो के नाम पे रैगिंग करते। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारे एचओडी से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं मामू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज करूंगी। जरूरत है बेटा, ऐसे लोगों को ढील दोगे तो सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। अरे तू मुझे फोन करती ना, एक एक की हड्डियां तोड़ देता मैं, उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराता उनको। तुषो भाई इट्स ओके। नो नो इट्स नॉट ओके, एब्सोल्युटली नॉट ओके। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी रैगिंग करने की? मामू मेरी रैगिंग नहीं हुई, उन्होंने कोशिश की थी बट ऑल थैंक्स टू साथ। सारे लोग थे वहां पे तो मैं बच गई। अब सब ठीक है मामू, मैं फ्रेश होके आती हूँ। नहीं नहीं अंकुश, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलो यार। कितने मुश्किल से तो हमको ये सब मिला है, जो हम चाहते थे हमें सब कुछ मिला है, ये ऐसे ऐसे हमसे छिन नहीं जा सकता। प्लीज अंकुश, ऐसे नहीं हो सकता। आराम से बैठ के हमें 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 कुछ सोचना पड़ेगा। आराम से बैठते हैं, आपस में टैली करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है। इससे पहले कि अनुपमा को सबूत मिले, वी हैव टू यू नो। तुम यहाँ पर इधर आओ। वो बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मुझे ऐसा शक है कि रैगिंग से बचाने वाला उसे सागर ही था। पर वो फटीचर मीनू का मेडिकल कॉलेज में क्या कर रहा था? जाल बिछा रहा होगा। ऐसे निकम्मे लड़के यही करते हैं, अच्छी अमीर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर जिंदगी बर्बाद करते हैं। देखकर तुझ पे क्या बीती होगी यार। जितना रोना है अभी रो लेते विका, तेरा हक बनता है। लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाल, क्योंकि मुझे और अनुज को तेरी मदद की जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।